कहानी ये शुरू होती है गांव से, जहां पर एक लड़की रहा करती थी और उस गांव में नया नया डाकिया आया था। डाकिया का काम तो आप जानते हैं, चिट्ठियां पहुंचाने का काम, अगर कोई रजिस्ट्री आए तो वो पहुंचाने का काम। तो डाकिया चिट्ठी लेकर घर घर जाया करता था और उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई इस लड़की से, नाम था सुकन्या। डाकिया को बस एक बात से चिढ़ थी सुकन्या की, कि जब जब वो घंटी बजाता था तो बहुत देर में आती थी, डिंग डोंग, फिर उसको इंतजार करना पड़ता था, बाहर से चिल्लाता था, अरे भाई चिट्ठी आई है, रजिस्ट्री आई है, ले लो, साइन करनी पड़ेगी। तो लड़की वो आराम से आती थी, उसका गेट था, उसका एक हिस्सा खोलती थी, उसमें साइन करती थी और पैसे लेके चली जाती थी। उसके पिता बाहर थे जहां से वो पैसे भेजा करते थे। तो एक महीना हुआ, दो महीना हुआ, तीन महीना हुआ, अब उसको बड़ी हैरानी होने लगी कि मतलब बाकी सब लोग तो आ जाते हैं समय से या घर पे नहीं होते, वो हमेशा घर पे मिलती थी और आती हमेशा देर से थी, लेकिन एक बार उसकी हैरानी बहुत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लड़की ने इस बार सिर्फ दरवाजे में से छोटी सी खिड़की थी वो नहीं खोली थी, उसने पूरा दरवाजा खोला था और उसने एक जो पैसे उसके पास आए, एक छोटा सा गिफ्ट भी उस डाकी अंकल को दिया सुकन्या ने। अब पूरे गांव में चिट्ठियां बांटा करते हैं, लेकिन किसी ने गिफ्ट देने के बारे में नहीं सोचा, तो फिर इस लड़की ने क्यों दिया, क्या सोच के दिया? और डाकिया यही सोचते सोचते वापस जा रहा। घर जाकर जब उसने वो गिफ्ट खोला तो उस गिफ्ट में थी चप्पलें। जी हाँ, उस सुकन्या ने डाकिया को चप्पल दी थी, और चप्पल इसलिए दी थी क्योंकि डाकिया नंगे पैर घूमता था, उसके पास उस लायक पैसे नहीं थे कि वो चप्पल खरीद सके। तो सुकन्या ने उसके लिए चप्पल का इंतजाम करवाया। उसको देख के बहुत तेज रोना आया, बहुत तेज रोना आया। पूरे गांव में किसी ने ख्याल नहीं करा इस बात का कि वो नंगे पैर चिट्ठियां बांटता है, और ख्याल करा भी तो किसने, एक छोटी सी लड़की सुकन्या ने। लेकिन उसका रोना इस बात से नहीं आया खाली, उसका रोना इस बात से आया सुकन्या ने उसको चप्पल तो दे दी, अब लेकिन डाकिया भी उसे कुछ देना चाहता था, लेकिन सुकन्या के लिए वो टांगे कहां से लाएगा।